एक्सरसाइज 3 का 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है चुंबकीय दिक्पात नमन कोण तथा क्षैतिज तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो 23 नंबर में जो चित्र बना था वही चित्र बनेगा यहाँ, ठीक है ना। उसको बढ़िया समझिए चित्र को फिर से, और ये सब जो भी है उसी चित्र से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए उसका चित्र बना लेते हैं, 23 नंबर का जो पीछे चित्र बताया था। पृथ्वी का दो तल होता है, देखिए इस तरह से, यही दो तल हो गया। एक हो गया भौगोलिक, यामायोत्तर माने भौगोलिक तल, और एक होता है चुंबकीय यामायोत्तर, चुंबकीय तल हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको सूचित किए थे थीटा से, और इसको कहते हैं चुंबकीय दिक् पात बोले थे इसको, ठीक है। इधर होता है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता होता है, इधर कोण बनता है डेल्टा जिसको कहते हैं नमन कोण, नमन कोण बोलते हैं इसको डेल्टा को। इधर हो जाता है, ठीक है, बी एच का मतलब हुआ क्षैतिज तीव्रता, और ई हो जाता है बी भी माने लंबत तीव्रता, ठीक है। यही फिर से समझिए इसको, चुंबक का दो तल होता है, पृथ्वी का दो तल होता है, देखिए दो तल है, पहला तल हो गया भौगोलिक तल और दूसरा तल हो गया चुंबकीय तल, ठीक है ना। दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसको चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ये हो गया डेल्टा नमन कोण, ये हुआ क्षैतिज तीव्रता, ये हो गया परिणामी तीव्रता, और ये हो गया लंबवत तीव्रता। तो चलिए देखते हैं चित्र से, पहले माना पृथ्वी का दो, माना पृथ्वी का दो तल है, जिसके बीच का कोण थीटा नमन कोण डेल्टा तथा क्षैतिज तीव्रता तथा क्षैतिज तीव्रता बी एच है, ठीक है ना। और परिणामी तीव्रता बी तथा लंबवत तीव्रता भी है, ठीक है। तो चित्र से पूरा हो गया, चलिए फॉर्मूला निकालते हैं बारी बारी से सबका। देखिए हम जानते हैं, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कर्व,
तो चलिए साइन थीटा बराबर होता है लंबा टेक का। तो देखिए यहाँ जो कोण है यहाँ डेल्टा माना गया है, तो कोण को आप थीटा की जगह पर डेल्टा ले लीजिए, ठीक है। तो ये डेल्टा हो गया, कोण हम डेल्टा लिए, तो इसमें लंब और आधार और कर्ण कौन होगा ये जानिए। तो ये देखिए जो देख रहे हैं टेढ़ा भुजा, ये हो गया कर्ण, टेढ़ा भुजा कर्ण होता है, परिणामी देवता माना जाएगा बी कर्ण, ठीक है, कर्ण हो गया, याद रखिएगा ये। और क्षैतिज जो हो गया वो आधार हो जाता है, क्षैतिज देवता आधार हो गया, अपने बीएच आधार हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया। और लंब लंबत है ये है, लंब हो गया बी भी। चलिए तीनों को हम यहाँ सरियाते हैं, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया बी भी, और कर्ण कितना हुआ, परिणामी तीव्रता बी। तो हम निकालना चाहे बी भी, तो बी भी बराबर बी साइन डेल्टा, ये सूत्र यह हो गया, ठीक है, लंबत तीव्रता का सूत्र हुआ। चलिए फिर देखो कॉस डेल्टा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार कितना है, ये तो लंबवत हो गया, तो आधार ये वाला होगा क्षैतिज वाला होगा बी एच बटे कर्ण, बी एच बराबर क्या होगा बी इंटू कॉस डेल्टा, ये हो गया क्षैतिज अवयव का सूत्र, ठीक है। चलिए एक सूत्र और लगाते हैं, समकोण त्रिभुज का वो सूत्र होता है, तो समकोण त्रिभुज का सूत्र आप जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है, यही बी हो गया, लंब कितना है बी भी हो गया, आधार कितना बी एच हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर बी भी का होल स्क्वायर प्लस बी एच का होल स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर को जब उधर भेजिएगा तो रूट अंडर बनेगा, बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, समीकरण चार हो गया, ठीक है। चलिए चार के बाद अब अगला फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए देखिए टेन डेल्टा, टेन डेल्टा, टेन बराबर क्या होता है आधार, बताइए टेन डेल्टा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया, उसमें तो लंब बटे आधार हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। तो बताइए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान हो गया बी भी और आधार का मान बी एच। तो हम टेन डेल्टा बराबर लिखेंगे बी भी बाई बी एच, तो डेल्टा बराबर क्या होगा, तो टेन जब उधर जाएगा ना तो इनवर्स हो जाता है, इसी को हम कहेंगे टेन इनवर्स बी भी बाई बी एच, यही हो गया लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए ये जो निकला है ये लंबवत तीव्रता का सूत्र निकला है, बी भी है, बी भी का मतलब क्या होता है लंबवत तीव्रता का सूत्र निकला है। फिर देखिए ये निकला है बी एच, तो बी एच क्या है, बी एच जो है क्षैतिज तीव्रता का सूत्र निकला है, ठीक है, जो निकालना है आपको, देखिए क्षैतिज तीव्रता का सूत्र निकालना है। फिर देखिए बी क्या है, तो बी है परिणामी तीव्रता, ठीक है, तो परिणामी तीव्रता का ये सूत्र निकाला है। इसके बाद देखिए जो डेल्टा निकालने क्या है, डेल्टा है नमन कोण, ठीक है, देख लीजिए इसमें कहीं दिक्कत रहे तो बोलिए।